आटा दाल चावल व गुड़ पर प्रस्तावित 5% GST लागू करने के विरोध में शनिवार को जोधपुर शहर की 3 प्रमुख मंडियां बंद रही। तो वहीं शहर की मंडोर, बासनी व जीरा मंडी में आज प्रतिष्ठान बंद रहने से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि खाने की आधारभूत वस्तुओं को GST के दायरे में लाने से महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। वहीं केंद्र सरकार 18 जुलाई से इन जिंसों पर 5% GST लागू कर देगी। इसके बाद इनके दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। फसलों के बाद अब सभी अनब्रांडेड अनाज GST के दायरे में आ गए हैं। पहले से महंगाई से बेहाल लोगों पर बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पर मंडोर मंडी के खाद्य व्यापार संघ, जोधपुर खाद्य व्यापार संघ, बासनी व जीरा मंडी के लगभग 70 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होगा। GST काउंसलिंग की तरफ से पैक्ड अनब्रांडेड गेहूं, चावल, आटा, दालों को GST के दायरे में लाने की तैयारी की जा चुकी है। हर घर में रोजमर्रा के इस्तेमाल में इन खाद्य जिंसों पर GST चुकाना होगा। तो वहीं मंडोर मंडी खाद्य व्यापार के संघ सचिव धर्मेंद्र भंडारी ने बताया कि 5% GST लागू करने पर देश में महंगाई बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ITN।